मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई बिलीव सब लोग अच्छे हो और अभी सब लोग पढ़ाई कर रहे हो। और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बेस्ट है पढ़ने के लिए। और जो बच्चे नाइट मारने का सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि आज रात भर पढ़ा जाए, उन बच्चों को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि यस, आज का दिन बेस्ट है पढ़ने के लिए। आप प्लीज़ पढ़िए। और मेरा भी अभी पढ़ाई चालू है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको कैसे पढ़ रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ द बैरक, जो बैरक मैंने सामने रखा हुआ है, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, शायद आपको दिखे। फिर सामने मैं पढ़ रहा हूँ, आई बिलीव आपको दिखेगा कि नहीं, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़े से अपने नोट्स अपडेट कर रहा था। सो कहने का मतलब यही है बच्चों, हम सबको पढ़ाई करनी चाहिए और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ाई करेंगे, हम आज जितने एफर्ट्स लेंगे, हमको फ्यूचर में उतनी ही सक्सेस मिलेगी। बहुत मन कर रहा था आप लोगों के साथ मिलने का, आप लोगों से बातें करने का और आप लोगों को एनकरेज करने का कि प्लीज़ यार पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है दुनिया में, यही एक चीज़ है जो देखिए, सीएस बनना ना बनना अपने, मेरे ख्याल से तो अपने कंट्रोल में। अपन मेहनत करें तो डेफिनेटली अपने को अवार्ड मिलता है। बट ऐसा कई बार अनफॉर्चुनेटली होता है कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बट हम पास नहीं हो पाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ मेरी क्लास में थे और बहुत टैलेंटेड लोग थे। उन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव के अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए और नहीं हुआ। डेफिनेटली ऐसा होता है। और मैं एज अ टीचर इस चीज़ को, मैं ये कभी नहीं बोलता कि कि आप मेरे यहाँ आए तो 100% मैं आपको सीएस बना दूंगा। हम अपने साइड से पूरी कोशिश करते हैं, स्टूडेंट भी अपने साइड से पूरी कोशिश करता है बेटा, बट ऐसा कई बार होता है। और कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट फेल हो गए, 5 अटेम्प्ट फेल हुए, बट 6वें और 7वें अटेम्प्ट में पास हुए, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे भी कई स्टूडेंट्स थे जो 3-4 अटेम्प्ट में बोले सर बस अब ना हो पाएगा, हम किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, ग्रेजुएशन के आधार पर जॉब किया और आज वो कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार रुपये महीने का, 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमा के सेट है। अकोला में, औरंगाबाद में, देन नागपुर में, ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं और रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी, जिनका सीएस नहीं हुआ बट स्टिल उन्होंने सीएस की पढ़ाई करते करते जो नॉलेज लिया। कई लोग किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ रिलेशनशिप मैनेजर बन के बैठे हैं, कई लोग मेडिकल की फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो सीएस से उन्होंने क्या सीखा? सीएस से उन्होंने एक डिसिप्लिन सीखा लाइफ में कि यार डिसिप्लिन क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ में आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी आप एफर्ट्स लेते हैं यार, वो बच्चों कभी भी वेस्ट नहीं होते। आपने सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। देखिए, हो सकता है कि हम पढ़ाई कर रहे हो सकता है रिजल्ट अच्छा आए, हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ईश्वर के घर पे ना आपकी जो मेहनत है, जो आपकी जो आपने अपने सच्चे दिल से एफर्ट्स लिए हैं, वो कभी भी ना ज़ाया नहीं होते, वो कभी भी वेस्ट नहीं होते। ईश्वर हमेशा आपकी हेल्प करता है, ईश्वर हमेशा आपकी मदद करता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी पढ़िए, बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट स्टार्टिंग। और अभी मेरी घड़ी में 9:37 हुए हैं इस समय, तो मैं, मेरा प्लान है कि मैं रात को 11:15-11:30 तक पढ़ूंगा और उसके बाद मॉर्निंग में, आप सबको पता है थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा टाइट रहता है, मॉर्निंग में अगेन आई विल गेट अप एट 4:30। फिर सुबह आधे पौन घंटे का मैं आपको, जैसा कि वीडियोस में बताता हूँ, जिम है, देन थोड़ा सा मेडिटेशन है, कुछ अच्छी ऑडियो बुक्स हैं जो मैं सुनता हूँ 5 से 10 मिनट्स, और इस फिर पढ़ाई करता हूँ आधे पौन घंटे। और इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज रहता हूँ पूरे दिन और बहुत पॉजिटिव थाट्स आते हैं, मतलब जो नेगेटिविटी है वो दिन में भटक नहीं पाती, क्योंकि दिन हमेशा अच्छा होता है। रात में हमेशा पढ़ाई करके ही ख़त्म करता हूँ, मतलब रात को अगर जैसे मैं किसी दिन लेट आया ऑफिस से या कोई काम हो गया, उस दिन भी आके मैं कम से कम 5-10 मिनट पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मैं बेसिकली एक रिस्पेक्ट है मेरा जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मेरा काम, जब मैं अच्छे से पढ़ूंगा तभी शायद मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। और मैं तो लॉ पढ़ाता हूँ जिसमें रोज़ अपडेट्स होते हैं, और इतने सारे लॉ पढ़ाता हूँ तो कई बार मैं भूल जाता हूँ यार कि मैं कौन सा लॉ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 50, 60, 70, 80 जितने भी लॉज हैं, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव और फाइनल के सारे लॉज कवर कर लेता हूँ। सो कहीं ना कहीं प्लीज़ एफर्ट लीजिए, प्लीज़ एफर्ट लीजिए और प्लीज़ पढ़ने बैठ जाइए। अभी आपने दिन भर में चीटिंग किया होगा मेरे को पता है, प्लीज़ पढ़ने बैठ जाइए अभी। इज़ दैट क्लियर? चलिए बच्चों, लव यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।